यहाँ पर जंतर मंतर पर जो ये पूर्व सैनिक है इनका लगातार आज 34वां दिन है, और यहाँ पर सर आज आपका 34वां दिन है, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से तो हमको कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं है। आज 34वां दिन है जैसा कि अभी आपने बता दिया, और हमारे सैनिक पूर्व सैनिक यहाँ मौजूद हैं आज भी, और ये जब तक फैसला नहीं होगा तब तक रहेंगे। इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। आज हमारे बीच हैं हमारे दिग्गज कर्नल पुष्पेंद्र साहब, ग्रेनेडियर से रिटायर्ड हैं, और आज वो हमारे बीच आए हैं, तो मैं कर्नल साहब के माध्यम से अपने माननीय रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी और CDS जी और तीनों सेना प्रमुखों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ वाकई में कमी है या नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कर्नल साहब से कि कर्नल साहब प्लीज़ इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये 7 नवंबर 2015 में नोटिफिकेशन निकला था, ये एक तो सरकार ने बहुत गलत निकाला। रीज़न ये है कि जब एक ऑफिसर JCO या OR अपनी प्री मेच्योर रिटायरमेंट जो फौज में भर्ती होने से पहले कुछ हमसे बाउंड साइन करवाते हैं, उसमें लिखा जाता है अगर हम 20 साल या 17 साल या 15 साल के बाद में घर जाना चाहें तो हमारे को सारे बेनिफिट मिलने चाहिए। 7 नवंबर 2015 के नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने लिख दिया कि जो आज की रात के 12 बजे के बाद में कोई भी प्री मेच्योर रिटायरमेंट जाएगा उनको वन रैंक वन पेंशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये बहुत गलत है, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी लेटेस्ट जनवरी 2023 में जो नोटिफिकेशन निकाला है गवर्नमेंट ने, उसमें गवर्नमेंट ने 2015 की जगह 2014 लिख दिया, भाई एक साल और कम कर दिया। क्यों? मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है और मैं कहता हूँ, मैं आज जंतर मंतर पर आया हूँ, मैं जो यहाँ JCOs और ORs बैठे हैं मैं इनका पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलने चाहिए इनको मिलने चाहिए, क्योंकि ये ही मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है प्री मेच्योर रिटायरमेंट यही जाते हैं। अगर इन्हीं को बेनिफिट नहीं देंगे तो देंगे किसको आप? तो मेरी तीनों चीफों से और प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, जो ये नोटिफिकेशन निकाला है इसको दुरुस्त किया जाए, और जो जंतर मंतर पर इतने दिनों से हमारे JCOs बैठे हैं, प्लीज़ इनका भी घर है, हैं, इनको शांति से घर में बैठने दीजिएगा, और जो कमी पेशियां हैं वो प्लीज़ दूर कर दीजिएगा। मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, और मैं इनके साथ जुड़ा रहूँगा जब तक इनका जो रिक्वायरमेंट, इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। धन्यवाद। अच्छा सर, आप यहाँ पर अभी कुछ कमी पेशियों की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि अभी तक जो इस आंदोलन का जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि जवान और JCOs का ये आंदोलन है, तो आप अधिकारी हैं, क्या आप इन्हें समर्थन देने आए हैं? एक बात मैं बताऊं, जब ये 2015 में एजिटेशन चला जंतर मंतर पर, उसमें हम ऑफिसर JCOs और वीर नारी सारे आते थे। गवर्नमेंट ने 7 नवंबर का जो नोटिफिकेशन निकाला वो गलत निकाला, उसके बाद में कई ऑर्गेनाइजेशंस ने उसके ऊपर चिट्ठियां लिखी गई, डिफेंस मिनिस्टर तक चिट्ठियां लिखी गई, उस पर कोई गौर नहीं दिया गया। और अभी जो चिट्ठी निकाली जनवरी 2023 के अंदर, उसमें तो और भी कमाल कर दिया गवर्नमेंट ने, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बताइएगा, हमारे इन JCO जवानों के ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सर, आप इससे पहले भी जो धरना है उसमें शामिल रहे हैं, आप भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, तो तब के में और अब के में अंतर क्या है? अंतर यही है कि ऑफिसर नहीं आ रहे। क्या ऑफिसर प्रीमैच्योर रिटायरमेंट नहीं आए क्या 2015 के बाद में? हैं, उनको भी तो फील होता होगा ना दिल दिल में कि हमने क्या गलती करी कि हमें ORP के बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उनको भी आना चाहिए, मिले इनके साथ में, दबाव डाले सरकार के ऊपर। मतलब इस बार भी जो अफसर हैं, आप चाहते हैं कि अफसर भी इन लोगों का साथ दें, सर क्या आप लोग इन लोगों का साथ लेंगे? देखिए, कर्नल साहब ने कितने बेबाक जवाब दिया, सपोर्ट किया कि JCO ORs की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं कर्नल साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे अधिकारियों का
जो सच्चाई का साथ देने के लिए आज घर से निकल कर आए हैं। दूसरा, जैसा कर्नल साहब ने बताया कि प्रीमेचर, ये बहुत बहुत ही सच्चाई की बात बताई कि जेसीओ और जवान ही ज़्यादातर प्रीमेचर रिटायरमेंट आते हैं और उनका रिटायरमेंट भी अर्ली एज में होता है। वो आरओपी इसीलिए ज़्यादा उन्हीं के लिए बेनिफिटेड है। अब उसमें जो विसंगतियाँ हुई हैं, आज हमारे साथ कर्नल साहब ने सपोर्ट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। हम कर्नल साहब का एक बार फिर सरे जेसीओ और जवानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ कि आपकी तरह और भी जो अधिकारी हैं सच्चाई को स्वीकार करें, माने और सपोर्ट करें। लेकिन आज का जो दिन है ये एक ऐतिहासिक दिन है कि जवानों का साथ देने के लिए अधिकारी आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जवानों के साथ में जो भेदभाव हुआ है वो कहीं ना कहीं सच है, ये स्वीकार हो चुका है। और दूसरी बात, आप लोग जो सवाल पूछते हो कई बार अधिकारी और जवान और जेसीओ, देखिए सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं ये ओआरओपी के टाइम पर आके कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर मुद्दे नहीं उठाए गए, अगर उठाए गए होते तो आज जेसीओ और जवान अकेले धरने पर नहीं आते। हम फिर भी वो संस्कार से आए हैं, वो अनुशासित सोल्जर हैं कि हम कभी भी अपने सीनियर से आदेश को डिसोबे नहीं करने वाले, उनके आगे नहीं जाने वाले। लेकिन आज मजबूर होने के बाद हम यहाँ आए हैं और ये सच्चाई है, क्योंकि ये अब आपके सामने खुल के आ गई। अच्छा सर, आप जो इससे पहले वाला धरना था उसमें काफ़ी प्रखर रूप से आपने भाग लिया था, आपने फास्ट बोल सकते हैं मुझे, उस पर भी आप बैठे थे, तो क्या आपको इससे जो पहले वाला आंदोलन था उसमें आपको पता था कि जवान और जेसीओ के साथ में इस तरीके की जो विसंगति है वो होने वाली है? उस टाइम मालूम नहीं था, सच बताता हूँ, बट जो 7 नवंबर का नोटिफिकेशन निकला ना, उसके बाद में ये बड़ा क्लियर हो गया। ये प्री मेच्योर रिटायरमेंट वाले, जैसे साहब ने बोला है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो जैसे वार्स प्री मेच्योर रिटायरमेंट पे जाते हैं, अर्ली एज पे चले जाते हैं। ऑफिसर्स तो जब भी 55 में 56 में चले, मैं भी प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके आया था, इसीलिए मैं 5 तारीख को भूख हड़ताल से नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? क्योंकि मैं जेएसओ जवानों के साथ में था। अगर मैं उस दिन उठ जाता 5 सितंबर 2015 को भूख हड़ताल से, तो हम सारे के सारे ऐसे पड़े रहते आज की तारीख में। ये तो 6 तारीख को जब गवर्नमेंट को पता लग गया था कि ये जो बैठे ना जंतर मंतर पर शेर, ये उठेंगे नहीं, उसके बाद में ही उन्होंने जो ये वीआरएस का इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था वो इन्होंने निकाल के इन्होंने बोला 6 तारीख को प्रधानमंत्री ने खुद फरीदाबाद में कि जो भी प्री मेच्योर रिटायरमेंट जाएंगे उनको सबको बेनिफिट मिलेगी। उसी के बाद में हमने भूख हड़ताल तोड़ी थी 6 सितंबर को जंतर मंतर से, बट जो चिट्ठी निकाली वो इन्होंने बहुत गलत निकाली। मैं अभी भी तीनों चीफ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पर्सनली और CDS को, ये जितनी भी कमी पेशियाँ हैं इनको दूर करिए प्लीज़, और ये जो जंतर मंतर पर हमारे साथी बैठे हैं इनको घर पे शांति से बैठने का मौका दीजिए। अच्छा, आप सर, आप अभी कह रहे थे कि ये लोग आए हैं, हम सभी बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं कि जो अधिकारी भी हैं वो भी आपके जो ये आंदोलन है उसमें जुड़ रहे हैं, तो सर क्या ये जो आंदोलन है वो अब वापस से जो जवान जैसी हो उसका जो वो था उसमें अधिकारी भी जुड़ के वापस से पहले वाला प्रखर रूप लेगा? आप इसको दूसरी तरफ से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूर्व सैनिकों का आंदोलन है और जो विसंगतियां हैं उनके खिलाफ आंदोलन है, और उन विसंगतियों को दूर करवाने के लिए कर्नल साहब हमारी सपोर्ट में आए हैं, ठीक है। तो ये पूर्व सैनिकों का आंदोलन है और जिस तरीके से चल रहा है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। देखिए, हम जैसे बात करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है उसमें जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो जवान और जेसीओ हैं उनके साथ में धोखा किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं वो इन लोगों का साथ देने के लिए आए हैं, जैसे कि कर्नल साहब हैं, तो हमें आशा है कि इस तरीके के जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं वो इस आंदोलन में जवान और जेसीओ के साथ लगातार जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बोल भारत माता की जय। की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। जय हिंद। जय हिंद।